यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम आश्रम वासिक पर्व 33वां अध्याय। परलोक से आए हुए व्यक्तियों का परस्पर राग द्वेष से रहित होकर मिलना और रात बीतने पर अदृश्य हो जाना। व्यास जी की आज्ञा से विधवा क्षत्राणियों का गंगा जी में गोता लगाकर अपने अपने पति के लोक को प्राप्त करना तथा इस पर्व के श्रवण की महिमा। वैशंपायन जी कहते हैं, क्रोध और मात्सर्य से रहित तथा पाप शून्य हुए वो सभी श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मर्षियों की बनाई हुई उत्तम प्रणाली का आश्रय ले एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिले। उस समय देवलोक में रहने वाले देवताओं की भांति उन सब के मन में हर्षोल्लास छा रहा था। राजन, पुत्र पिता माता के साथ, स्त्री पति के साथ, भाई भाई के साथ और मित्र मित्र के साथ मिले। पांडव, महाधनुर्धर, कर्ण, सुभद्रा, कुमार अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र इन सब के साथ अत्यंत हर्षपूर्वक मिले। भूपाल, तत्पश्चात सब पांडवों ने कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक मिलकर उनके साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव किया। भरतभूषण, वो समस्त योद्धा एक दूसरे से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार मुनि की कृपा से वो सभी क्षत्रिय अपने क्रोध को भुलाकर शत्रु भाव छोड़कर परस्पर सौहार्द स्थापित करके मिले। इस तरह वो सब पुरुष सिंह कौरव तथा अन्य नरेश गुरुजनों बांधवों और पुत्रों के साथ मिले। सारी रात एक दूसरे के साथ घूमने फिरने के कारण उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। स्वर्गवासियों के समान ही उन्हें वहां परम संतोष का अनुभव हुआ। भरत श्रेष्ठ, एक दूसरे से मिलकर उन योद्धाओं के मन में शोक, भय, त्रास, उद्वेग और अपयश को स्थान नहीं मिला। वहां आई हुई स्त्रियां अपने पिताओं, भाइयों, पतियों और पुत्रों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुईं। उनका सारा दुख दूर हो गया। वो वीर और उनकी वो तरुण स्त्रियां एक रात साथ साथ विहार करके अंत में एक दूसरे की अनुमति ले परस्पर गले मिलकर जैसे आए थे उसी प्रकार जाने को उद्यत हुए। तब मुनिवर व्यास जी ने उन सब लोगों का विसर्जन कर दिया और वो महामना नरेश एक ही क्षण में सबके देखते देखते पुण्य सलिला भागीरथी में गोता लगाकर अदृश्य हो गए। रथों और ध्वजाओं सहित अपने अपने लोकों में चले गए। कोई देवलोक में गए, कोई ब्रह्मलोक में, कुछ वरुण लोक में पधारे और कुछ कुबेर के लोक में। कितने ही नरेश भगवान सूर्य के लोक में चले गए, कितने ही राक्षसों और पिशाचों के लोकों में चले गए, कितने ही उत्तर कुरु में जा पहुंचे। इस प्रकार सबको विचित्र विचित्र गतियों की प्राप्ति हुई थी और वो महामना वहीं से देवताओं के साथ अपने अपने वाहनों और अनुचरों सहित आए थे। उन सब के अदृश्य हो जाने पर कौरवों के हितकारी महातेजस्वी धर्मशील महामुनि व्यास जी ने जल में खड़े खड़े उन सब विधवा क्षत्राणियों से कहा, देवियों, तुम लोगों में से जो जो सती साध्वी स्त्रियां अपने अपने पति के लोक को जाना चाहती हों, वो आलस्य त्याग कर तुरंत गंगा जी के जल में गोता लगाएं। उनकी बात सुनकर उनमें श्रद्धा रखने वाली वो सती स्त्रियां अपने श्वशुर धृतराष्ट्र की आज्ञा ले गंगा जी के जल में समा गईं। प्रजानाथ, वहां वो सभी साध्वी स्त्रियां मनुष्य शरीर से छुटकारा पाकर अपने अपने पति के साथ जा मिली। इस प्रकार क्रमशः वो सभी शीलवती पतिव्रता क्षत्राणियां इस शरीर से मुक्त हो पतिलोक को चली गईं। जैसे उनके पति थे उसी प्रकार वो भी दिव्य रूप से संपन्न हो गईं। दिव्य आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ाने लगे तथा उन्होंने दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण कर लिए। शील और सद्गुण से संपन्न हुई वो सभी क्षत्रिय बालाएं समस्त सद्गुणों से अलंकृत हो विमान पर बैठकर अपने अपने योग्य स्थान को चली गईं। उनका सारा कष्ट दूर हो गया। उस समय जिसके जिसके मन में जो जो कामना उत्पन्न हुई धर्म वत्सल वरदायक भगवान व्यास ने वो सब पूर्ण की। संग्राम में मरे हुए राजाओं के पुनरागमन का वृत्तांत सुनकर भिन्न भिन्न देश के मनुष्यों को बड़ा आश्चर्य और आनंद हुआ। जो मनुष्य कौरव पांडवों के प्रियजन समागम का यह वृत्तांत
भली भांति सुनेगा उसे इहलोक और परलोक में भी प्रिय वस्तु की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, उसे अनायास ही इष्ट बंधुओं से मिलन होगा तथा कोई दुख शोक नहीं सताएगा। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ जो विद्वान विद्वानों को यह प्रसंग सुनाएगा, वो इस लोक में यश और परलोक में शुभ गति प्राप्त करेगा। भारत, जो मनुष्य स्वाध्याय परायण, तपस्वी, सदाचारी, जितेंद्रिय, दान के द्वारा पाप रहित, सरल, शुद्ध, शांत, हिंसा और असत्य से दूर, आस्तिक, श्रद्धालु और धैर्यवान हैं, वो इस आश्चर्यजनक पर्व को सुनकर उत्तम गति प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत पुत्र दर्शन पर्व में स्त्रियों का अपने अपने पति के लोक में गमन विषयक 33वां अध्याय पूरा हुआ। 34वां अध्याय, मरे हुए पुरुषों का अपने पूर्व शरीर से ही यहां पुनः दर्शन देना कैसे संभव है, जन्मेजय की शंका का वैशंपायन द्वारा समाधान। सौति कहते हैं, अपने समस्त पितामहों के इस प्रकार परलोक में आने और जाने का वृत्तांत सुनकर विद्वान राजा जन्मेजय बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर वो पुनरागमन के विषय में संदेह करते हुए बोले, भला जिन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया है, उन पुरुषों का उसी रूप में दर्शन कैसे हो सकता है। उनके ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ प्रतापी व्यास शिष्य विप्रवर वैशंपायन ने उन राजा जन्मेजय से कहा। वैशंपायन जी बोले, नरेश्वर, यह सिद्धांत है कि समस्त कर्मों का फल भोग किए बिना उसका नाश नहीं होता। जीवात्मा को जो शरीर और नाना प्रकार की आकृतियां प्राप्त होती हैं, वो सब कर्म जनित हैं। भूतनाथ भगवान के आश्रय से पांचों महाभूत हमारे शरीरों की अपेक्षा नित्य हैं। उन नित्य महाभूतों का अनित्य शरीरों के साथ संसार दशा में नित्य संयोग है। अनित्य शरीरों का नाश होने पर इन नित्य महाभूतों का उनसे वियोग मात्र होता है, विनाश नहीं। कर्तृत्व अभिमान के बिना अनायास किए जाने वाले कर्म का जो फल प्राप्त होता है, वो सत्य और श्रेष्ठ है, अर्थात मुक्तिदायक है। कर्तृत्व अभिमान और परिश्रम पूर्वक किए हुए कर्मों से बंधा हुआ जीवात्मा सुख दुख का उपभोग करता है। क्षेत्रज्ञ इस प्रकार कर्मों से संयुक्त होकर भी वास्तव में अविनाशी ही हैं, ये निश्चित है, किंतु भूतों के साथ तादात्म्य भाव स्वीकार कर लेने के कारण वो ज्ञान के बिना उनसे अलग नहीं हो पाता। जब तक शरीर के प्रारब्ध कर्मों का क्षय नहीं होता, तब तक उस जीव की उस शरीर से एक रूपता रहती है। जब कर्मों का क्षय हो जाता है, तब वो दूसरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भूत, इंद्रिय आदि नाना प्रकार के पदार्थ शरीर को पाकर एकत्व को प्राप्त हो गए हैं। जो देह आदि को आत्मा से पृथक जानते हैं, उन योगियों के लिए वो सारे पदार्थ नित्य आत्मस्वरूप हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ में जब अश्व का वध किया जाता है, उस समय जो सूर्यम ते चक्षुः वातम प्राणः इत्यादि मंत्र पढ़े जाते हैं, उनसे ये सूचित होता है कि देहधारियों के प्राण इंद्रियां निश्चित रूप से सर्वदा लोकांतर में स्थित होती हैं। पृथ्वीनाथ, तुम्हें प्रिय लगे तो मैं तुम्हारे हित की बात बताता हूं। यज्ञ आरंभ करते समय तुमने देवयान मार्गों की बात सुनी होगी, वो ही तुम्हारे योग्य हैं। जब तुमने यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, तभी से देवता लोग तुम्हारे हितैषी सुहृद हो गए। जब इस प्रकार देवता मित्रभाव से युक्त होते हैं, तब वो जीवों को लोकांतर की प्राप्ति कराने में समर्थ होने के कारण उन पर अनुग्रह करके उन्हें अभीष्ट लोकों की प्राप्ति करा देते हैं। इसलिए नित्य जीव यज्ञों द्वारा देवताओं की आराधना करके लोकांतर में जाने की शक्ति पाते हैं। जो यज्ञ नहीं करते, वो वैसे नहीं हो पाते। ये पांच भौतिक वर्ग नित्य है और आत्मा भी नित्य है। ऐसी दशा में जो मनुष्य उस आत्मा का अनेक प्रकार के देहों से संबंध तथा उनके जन्म और नाश से आत्मा का भी जन्म और नाश समझता है, उसकी बुद्धि व्यर्थ है।
इसी प्रकार किसी से किसी का वियोग हो जाने पर जो अत्यंत शोक करता है वो भी मेरे मत में बालक ही है। जो वियोग में दोष देखता है वो संयोग का त्याग कर दे, क्योंकि असंग आत्मा में संगम या संयोग नहीं है। जो उसमें संयोग का आरोप करता है उसी को इस भूतल पर वियोग का दुख सहना पड़ता है। दूसरा जो अपने पराये के ज्ञान में ही उलझा रहता है वो अभिमान से ऊपर नहीं उठ पाता। जो किसी के लिए पराया नहीं है उस परमात्मा को जानने वाला पुरुष उत्तम बुद्धि को पाकर मोह से मुक्त हो जाता है। वो मुक्त पुरुष अव्यक्त से ही प्रकट हुआ था और पुनः अव्यक्त में ही लीन हो गया। न मैं उसे जानता हूं न वो मुझे। मुझ में वैराग्य नहीं है। ये पराधीन जीव जिस जिस शरीर से कर्म करता है उस शरीर से उसका फल अवश्य भोगता है। मानस कर्म का फल मन से और शारीरिक कर्म का फल शरीर धारण करके भोगता है। इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत पुत्र दर्शन पर्व में जन्मेजय के प्रति वैशंपायन का वाक्य विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। 35वां अध्याय। व्यास जी की कृपा से जन्मेजय को अपने पिता का दर्शन प्राप्त होना। वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र ने पहले कभी अपने पुत्रों को नहीं देखा था, परंतु महर्षि व्यास के प्रसाद से उन्होंने उनके स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर लिया। उन नरश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र ने राजधर्म, ब्रह्म विद्या तथा बुद्धि का यथार्थ निश्चय भी पा लिया था। महाज्ञानी विदुर ने तो अपने तपोबल से सिद्धि प्राप्त की थी, परंतु धृतराष्ट्र ने तपस्वी व्यास का आश्रय लेकर सिद्धि लाभ किया था। जन्मेजय ने कहा, ब्रह्मन, यदि वरदायक भगवान व्यास मुझे भी मेरे पिता का उसी रूप, वेश और अवस्था में दर्शन करा दें, तो मैं आपकी बताई हुई सारी बातों पर विश्वास कर सकता हूँ। उस अवस्था में मैं कृतार्थ होकर दृढ़ निश्चय को प्राप्त हो जाऊंगा। इससे मेरा अत्यंत प्रिय कार्य सिद्ध होगा। आज मुनि श्रेष्ठ व्यास जी के प्रसाद से मेरी इच्छा भी पूर्ण होनी चाहिए। सौती कहते हैं, राजा जन्मेजय के इस प्रकार कहने पर परम प्रतापी बुद्धिमान महर्षि व्यास ने उन पर भी कृपा की। उन्होंने राजा परीक्षित को उस यज्ञ भूमि में बुला लिया। स्वर्ग से उसी रूप और अवस्था में आए हुए अपने तेजस्वी पिता राजा परीक्षित का भूपाल जन्मेजय ने दर्शन किया। उनके साथ ही महात्मा शमीक और उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि भी थे। राजा परीक्षित के जो मंत्री थे उनका भी जन्मेजय ने दर्शन किया। तदनंतर राजा जन्मेजय ने प्रसन्न होकर यज्ञांत स्नान के समय पहले अपने पिता को नहलाया, फिर स्वयं स्नान किया। फिर राजा परीक्षित वहीं अंतर्धान हो गए। स्नान करके उन नरेश ने यायावर कुल में उत्पन्न जरत्कारु कुमार आस्तिक मुनि से इस प्रकार कहा, आस्तिक जी, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मेरा ये यज्ञ नाना प्रकार के आश्चर्यों का केंद्र हो रहा है, क्योंकि आज मेरे शोकों का नाश करने वाले ये पिताजी भी यहां उपस्थित हो गए थे। आस्तिक बोले, कुरुकुल श्रेष्ठ, हे राजन, जिसके यज्ञ में तपस्या की निधि पुरातन ऋषि महर्षि द्वैपायन व्यास विराजमान हो, उसकी तो दोनों लोकों में विजय है। पांडव नंदन, तुमने ये विचित्र उपाख्यान सुना। तुम्हारे शत्रु सर्पगण भस्म होकर तुम्हारे पिता की ही पदवी को पहुंच गए। पृथ्वीनाथ, तुम्हारी सत्य परायणता के कारण किसी तरह तक्षक के प्राण बच गए हैं। तुमने समस्त ऋषियों की पूजा की और महात्मा व्यास की कहां तक पहुंच है इसे प्रत्यक्ष देख लिया। इस पाप नाशक कथा को सुनकर तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति हुई है। उदार हृदय वाले संतों के दर्शन से तुम्हारे हृदय की गांठ खुल गई, तुम्हारा सारा संशय दूर हो गया। जो लोग धर्म के पक्षपाती हैं, जो सदाचार के पालन में रुचि रखते हैं तथा जिनके दर्शन से पाप का नाश होता है, उन महात्माओं को अब तुम्हें नमस्कार करना चाहिए। सौती कहते हैं, शौनक,
विप्रवर आस्तिक के मुख से ये बात सुनकर राजा जनमेजय ने उन महर्षि व्यास का बार बार पूजन और सत्कार किया। साधु शिरोमणि, तत्पश्चात उन धर्मज्ञ नरेश ने धर्म से कभी च्युत न होने वाले महर्षि वैशंपायन से पुनः धृतराष्ट्र के वनवास की अवशिष्ट कथा पूछी। इस प्रकार श्री महाभारत आश्रमवासिक पर्व के अंतर्गत पुत्र दर्शन पर्व में जनमेजय के द्वारा अपने पिता का दर्शन विषयक 35वां अध्याय पूरा हुआ। 36वां अध्याय, व्यास जी की आज्ञा से धृतराष्ट्र आदि का पांडवों को विदा करना और पांडवों का सदल बल हस्तिनापुर में आना। जनमेजय ने पूछा, ब्रह्मन, राजा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर ने परलोक से आए हुए पुत्रों पौत्रों तथा सगे संबंधियों के दर्शन करके क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, नरेश्वर, मरे हुए पुत्रों का दर्शन एक महान आश्चर्य की घटना थी। उसे देखकर राजर्षि धृतराष्ट्र का दुख शोक दूर हो गया। वो फिर अपने आश्रम पर लौट आए। दूसरे सब लोग तथा महर्षिगण धृतराष्ट्र की अनुमति ले अपने अपने अभीष्ट स्थानों को चले गए। महात्मा पांडव छोटे बड़े सैनिकों और अपनी स्त्रियों के साथ पुनः महामना राजा धृतराष्ट्र के पीछे पीछे गए। उस समय लोक पूजित बुद्धिमान सत्यवती नंदन ब्रह्मर्षि व्यास भी उस आश्रम पर गए तथा इस प्रकार बोले, कौरव नंदन महाबाहु धृतराष्ट्र, तुमने श्रद्धा और कुल में बढ़े चढ़े वेद वेदांग वेत्ता ज्ञान वृद्ध पुण्य कर्मा एवं धर्मज्ञ प्राचीन महर्षियों के मुख से नाना प्रकार की कथाएं सुनी हैं। अतः अपने मन से शोक को निकाल दो, क्योंकि विद्वान पुरुष प्रारब्ध के विधान में दुख नहीं मानते हैं। तुमने देवदर्शी नारद मुनि से देवताओं का गुप्त रहस्य भी सुन लिया है। वो सब वीर क्षत्रिय धर्म के अनुसार शास्त्रों से पवित्र हुई शुभ गति को प्राप्त हुए हैं। जैसा कि तुमने देखा है, तुम्हारे सभी पुत्र इच्छा अनुसार विहार करने वाले स्वर्गवासी हुए हैं। ये बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर अपने समस्त भाइयों घर की स्त्रियों और सुहृदों के साथ स्वयं तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं। अब इन्हें विदा कर दो, ये जाएं और अपने राज्य का काम संभालें। इन लोगों को वन में रहते हुए एक महीने से अधिक हो गया। कुरुश्रेष्ठ, हे नरेश्वर, राज्य के बहुत से शत्रु होते हैं, अतः इसकी सदा ही यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अनुपम तेजस्वी व्यास के ऐसा कहने पर प्रवचन कुशल कुरुराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाकर इस प्रकार कहा, अजात शत्रु, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपने भाइयों सहित मेरी बात सुनो। भूपाल, तुम्हारे प्रसाद से अब हम लोगों को किसी प्रकार का शोक कष्ट नहीं दे रहा है। बेटा, तुम्हारे साथ रहकर तथा तुम जैसे रक्षक से सुरक्षित होकर मैं उसी तरह आनंद का अनुभव कर रहा हूं जैसे पहले हस्तिनापुर में करता था। विद्वन, प्रियजनों की सेवा में लगे रहने वाले तुम्हारे द्वारा मुझे पुत्र का फल प्राप्त हो गया। तुम पर मेरा बहुत प्रेम है। हे महाबाहो पुत्र, मेरे मन में तुम्हारे प्रति किंचन मात्र भी क्रोध नहीं है। अतः तुम राजधानी को जाओ, अब विलंब ना करो। तुमको यहां देखकर मेरी तपस्या में बाधा पड़ रही है। ये शरीर तपस्या में लगा दिया था, परंतु तुम्हें देखकर फिर इसकी रक्षा करने लगा। बेटा, मेरी ही तरह तुम्हारी ये दोनों माताएं भी व्रत धारण पूर्वक सूखे पत्ते चबाकर रहा करती हैं। अब ये अधिक दिनों तक जीवन धारण नहीं कर सकती। तुम्हारे समागम और व्यास जी के तपोबल से मुझे अपने परलोकवासी पुत्र दुर्योधन आदि के दर्शन हो गए, इसलिए मेरे जीवित रहने का प्रयोजन पूरा हो गया। अनग, अब मैं कठोर तपस्या में संलग्न होऊंगा। तुम इसके लिए मुझे अनुमति दे दो। महाबाहु, आज से पितरों के पिंड का, सुयश का और इस कुल का भार भी तुम्हारे ही ऊपर है। पुत्र, आज या कल अवश्य चले जाओ, विलंब ना करना। भरत श्रेष्ठ, प्रभो, तुमने राजनीति बहुत बार सुनी है, अतः तुम्हें संदेश देने लायक कोई बात मुझे नहीं दिखाई देती। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
जब राजा धृतराष्ट्र ने वैसी बात कही तब युधिष्ठिर ने उनसे इस प्रकार कहा, धर्म के ज्ञाता महाराज, आप मेरा परित्याग ना करें, क्योंकि मैं सर्वथा निरपराध हूं। मेरे ये सब भाई और सेवक इच्छा हो तो चले जाएं, किंतु मैं नियम और व्रत का पालन करता हुआ आपकी तथा इन दोनों माताओं की सेवा करूंगा। ये सुनकर गांधारी ने कहा, बेटा ऐसी बात ना कहो, मैं जो कहती हूं उसे सुनो। ये सारा कुरुकुल तुम्हारे ही अधीन है, मेरे श्वशुर का पिंड भी तुम पर ही अवलंबित है। अतः पुत्र तुम जाओ, तुमने हमारे लिए जितना किया है वही बहुत है। तुम्हारे द्वारा हम लोगों का स्वागत सत्कार भली भांति हो चुका है। इस समय महाराज जो आज्ञा दे रहे हैं वही करो, क्योंकि पिता का वचन मानना तुम्हारा कर्तव्य है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, गांधारी के इस प्रकार आदेश देने पर राजा युधिष्ठिर ने अपने आंसू भरे नेत्रों को पोंछकर रोती हुई कुंती से कहा, मां, राजा और यशस्विनी गांधारी देवी भी मुझे घर लौटने की आज्ञा दे रही हैं, किंतु मेरा मन आप में लगा हुआ है। जाने का नाम सुनकर ही मैं बहुत दुखी हो जाता हूं, ऐसी दशा में मैं कैसे जा सकूंगा। धर्मचारिणी, मैं आपकी तपस्या में विघ्न डालना नहीं चाहता, क्योंकि तप से बढ़कर कुछ नहीं है, तपस्या से पर ब्रह्म परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है। रानी मां, अब मेरा मन भी पहले की तरह राजकाज में नहीं लगता है, हर तरह से तपस्या करने को ही जी चाहता है। शुभे, ये सारी पृथ्वी मेरे लिए सूनी हो गई है, अतः इससे मुझे प्रसन्नता नहीं होती। हमारे सगे संबंधी नष्ट हो गए, अब हमारे पास पहले की तरह सैन्य बल भी नहीं है। पांचालों का तो सर्वथा नाश ही हो गया, उनकी कथा मात्र शेष रह गई है। शुभे, अब मुझे कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो उनके वंश को चलाने वाला हो। प्रायः द्रोणाचार्य ने ही सबको समरांगण में भस्म कर डाला था। जो थोड़े से बच गए थे उन्हें द्रोण गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने रात को सोते समय मार डाला। हमारे संबंधी चेदी और मत्स्य देश के लोग भी जैसे पहले देखे गए थे वैसे ही अब नहीं रहे। केवल भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में वृष्णवंशी वीरों का समुदाय अब तक सुरक्षित है। उसे ही देखकर मैं केवल धर्म संपादन की इच्छा से यहां रहना चाहता हूं, धन के लिए नहीं। तुम सब लोगों की ओर कल्याणमयी दृष्टि से देखो, क्योंकि तुम्हारा दर्शन हम लोगों के लिए अब दुर्लभ हो जाएगा। कारण कि राजा धृतराष्ट्र अब बड़ी कठोर और असह्य तपस्या करेंगे। ये सुनकर योद्धाओं के स्वामी महाबाहु सहदेव अपने दोनों नेत्रों में आंसू भरकर युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, भरत श्रेष्ठ, मुझमें माता जी को छोड़कर जाने का साहस नहीं है। प्रभु, आप शीघ्र लौट जाएं, मैं यहीं रहकर तपस्या करूंगा और तप के द्वारा अपने शरीर को सुखा डालूंगा। मैं यहां महाराज और इन दोनों माताओं के चरणों की सेवा में ही अनुरक्त रहना चाहता हूं। ये सुनकर कुंती ने महाबाहु सहदेव को छाती से लगा लिया और कहा, बेटा ऐसा ना कहो, तुम मेरी बात मानो और चले जाओ। पुत्रो, तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी हो और तुम सदा स्वस्थ रहो। तुम लोगों के रहने से हम लोगों की तपस्या में विघ्न पड़ेगा। मैं तुम्हारे स्नेह पाश में बंध कर उत्तम तपस्या से गिर जाऊंगी, अतः सामर्थ्यशाली पुत्र चले जाओ, अब हम लोगों की आयु बहुत थोड़ी रह गई है। राजेंद्र, इस तरह अनेक प्रकार की बातें कहकर कुंती ने सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर के मन को धीरज बंधाया। माता तथा धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर कुरुश्रेष्ठ पांडवों ने कुरुकुल तिलक धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और उनसे विदा लेने के लिए इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर बोले, महाराज, आपके आशीर्वाद से आनंदित होकर हम लोग कुशल पूर्वक राजधानी लौट जाएंगे। राजन, इसके लिए आप हमें आज्ञा दें, आपकी आज्ञा पाकर हम पाप रहित हो यहां से यात्रा करेंगे। महात्मा धर्मराज के ऐसा कहने पर राजर्षि धृतराष्ट्र ने कुरु नंदन युधिष्ठिर का अभिनंदन करके उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद राजा धृतराष्ट्र ने बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन को सांत्वना दी।
बुद्धिमान एवं पराक्रमी भीमसेन ने भी उनकी बातों को यथार्थ रूप से ग्रहण किया, हृदय से स्वीकार किया। तदनंतर धृतराष्ट्र ने अर्जुन और पुरुष प्रवर नकुल सहदेव को छाती से लगा उनका अभिनंदन करके विदा किया। इसके बाद उन पांडवों ने गांधारी के चरणों में प्रणाम करके उनकी आज्ञा ली। फिर माता कुंती ने उन्हें हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा, जैसे बछड़े अपनी माता का दूध पीने से रोके जाने पर बार बार उसकी ओर देखते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार पांडवों ने राजा तथा माता की ओर बार बार देखते हुए उन नरेश की परिक्रमा की। द्रौपदी आदि समस्त कौरव स्त्रियों ने अपने श्वशुर को न्याय पूर्वक प्रणाम किया। फिर दोनों सासुओं ने उन्हें गले से लगाकर आशीर्वाद दे जाने की आज्ञा दी और उन्हें उनके कर्तव्य का उपदेश भी दिया। तत्पश्चात वो अपने पतियों के साथ चली गई। तदनंतर सारथियों ने रथ जोतों की पुकार मचाई। फिर ऊंटों के चिंघाड़ने और घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज हुई। इसके बाद अपने घर की स्त्रियों, भाइयों और सैनिकों के साथ राजा युधिष्ठिर पुनः हस्तिनापुर को लौट गए। इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत पुत्र दर्शन पर्व में युधिष्ठिर का प्रत्यागमन विषयक 36वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।